हाय फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं मोनो एंटरटेनमेंट और मैं आज आप लोग को देख रहा हूँ महेंद्र जीतू की गियरबॉक्स कैसे रिपेयर होती है। पहले देख लीजिए, एक नंबर है और दो नंबर का पिनियम ही है। ये तीन और चार है। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और इसी तरह वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पहले ऐसे करके सेटिंग करके लेना है सब, जितना भी प्रीमियम है देख लीजिए, फिर बाद में गियरबॉक्स का जो केसिंग है उधर बैठाना है। देखिए ये सब अभी न्यूट्रल पोजीशन में है। अभी देखिए गियरबॉक्स का जितना भी पिनियम है सब सेट कर दिया है। अभी थोड़ा बाकी है, गियरबॉक्स का केसिंग लगाना है, ऊपर का केसिंग वो भी लगा कर दिखा दूंगा, आप लोग देखते रहिए। और थोड़ा बाकी है, बैक गियर का पिनियम लगाना है। अभी ये देखिए, ये है बैक गियर का पिनियम है, ये देखिए ऊपर के तो बैक गियर लग गया, ये बैक गियर लग गया है अभी न्यूट्रल। ये देखिए बैक गियर का लीवर है, ये अच्छी तरह से सेट कर लेना है इसको। फिर देखिए नीचे जो बोल्ट रहता है, 12 नंबर का बोल्ट रहता है, 220 बाद में लगा दीजिए। एक बार देख लीजिए, सब पिनियम लगा दिया है, बैक गियर का भी लगा दिया है, सब सेट कर दिया है। ये देख लीजिए, इधर आठा लगाना है, इधर तो गैस्केट नहीं रहता है इसलिए अच्छी तरह से लगाना है आठा, नहीं तो लीक हो जाएगा। ये महेंद्र का जेन्युइन आठा है, ऐसे ही लगा दिया, नहीं तो लीक होने के तो दिक्कत हो जाएगा। ये है ऊपर का केसिंग है, पूरी तरह से लगा लेना है। अभी देख लीजिए किसिंग ऊपर का जो थे वो लगा दे है, एक बार देख लीजिए। ड्राइशॉप का जो वाल छिले वो लगाना है। अभी देखिए गाड़ी में बिठा दिया है, अभी देखिए बोल्ट टाइट कर रहा है अभी। वो देख गए, ये इधर डैशअप कॉल सीट भी लगा दिया, साइलेंसर बाकी है,
और थोड़ा सामान बाकी है, गियर का केबल जो है वो लगाना है।